हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस आर सेफ एंड डूइंग ग्रेट। माय नेम इज सुब्बी तिवारी एंड ये मेरा पहला वीडियो है मेरे यूट्यूब चैनल पे। सो गाइस, थोड़ा बहुत गलती हुआ होगा तो प्लीज़ उसे इग्नोर कर देना एंड गाइस मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज यहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट देखने को मिलने वाला, फैशन, मेकअप, स्किन केयर से रिलेटेड। एंड फेस्टिव सीजन भी स्टार्ट होने वाला है तो फेस्टिव सीजन से रिलेटेड लुक भी आपको मिलेगा। सो गाइस फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये वीडियो मैंने शूट किया अपने बर्थडे से जस्ट एक दिन पहले और मुझे इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं पार्लर जाऊँ और अपना फेशियल वगैरह कराऊँ। सो गाइस मैं घर पर ही एक्स्ट्रा स्किन केयर करके और कुछ स्पेशल टिप्स मैं आपको देने वाली, वहीं सब फॉलो करके मैंने अपने फेस को ग्लोई डोई बनाया है। सो गाइज अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहती तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जाए। सो गाइज ये लुक मैंने क्रिएट किया था फॉर फेस्टिवल एंड ये मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है तो वहाँ से आप जाके देख सकते हो, शॉर्ट्स पे मैंने अपलोड किया हुआ है। एंड अब सबसे पहले मैं अपने मेकअप को रिमूव करूंगी। रिमूव करने के लिए मैंने लिया है क्लिंजिंग पैड एंड माइसोलर वाटर। माइसोलर वाटर को क्लिंजिंग पैड पे डाल के आराम से रब करूंगी एंड मेकअप अच्छे से रिमूव हो जाने के बाद मैं सबसे पहला स्टेप जो हमारा होगा वो है हमारा फेस स्क्रब। फेस को एक्सफोलिएट करना बहुत ज़रूरी है, इससे डर्ट एंड जर्म्स आपके फेस से आसानी से निकल जाते हैं। सो मैंने हिमालय का लिया था स्क्रब, अच्छे से फेस को रब किया है। देन मेरे पास एक डीटिन पैक पड़ा हुआ था नेचर्स का, सो मैंने उसे यूज़ कर लिया एंड 10 मिनट मैंने उसे वॉश कर लिया थोड़ा सा ड्राई हो जाने के बाद। एंड डीटिन पैक लगाते ही मेरे एक अच्छा सा फेस पे ग्लो आ गया था। सो मैंने नोज़ पे नोज स्ट्रिप यूज़ किया है बिकॉज थोड़े से ब्लैक हेड्स हो चुके थे एंड नोज़ को भी तो थोड़ा सा ग्लोई ग्लोई बनाना है ना। एंड लिप्स पे मैंने यूज़ किया है लिप स्क्रब जो कि गुड वाइब्स का है एंड काफ़ी अच्छे से मेरे लिप्स को इसने क्लीन कर दिया। एंड यहाँ पे मैंने यूज़ किया है द डर्माको का पीलिंग सॉल्यूशन स्किन को और ग्लोई डुई बनाने के लिए, ये मैंने यूज़ किया है। वाकई में बहुत अच्छे से वर्क किया इसने। एंड देन फेस को वॉश करके मैंने यहाँ लगाया पिलग्रिम का गोल्ड मास्क जो कि चेहरे पे 4 चांद लगा दिया। एंड आफ्टर फेस वॉश मैं अपना स्किन केयर करूँगी जो कि मैं डेली फॉलो करती हूँ। ये मिनिमलिस्ट का मैंने टोनर लगाया, थोड़ा सा मुझे ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है इसलिए। एंड मिनिमलिस्ट का ही फेस सीरम जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है फॉर ब्लैक हेड्स एंड ओपन पोर्स एंड काफ़ी अच्छे से मेरी स्किन को ये ग्लोई डोई बनाता है। अब बारी है सनस्क्रीन की, यार ये तो कभी स्किप ही मत करना ज़िंदगी में। इतना भी अच्छे स्किन केयर फॉलो कर लो बट आपने सनस्क्रीन मिस कर दिया ना, कोई फ़ायदा नहीं होगा उस स्किन केयर का। सो आप सनस्क्रीन ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करना, वो समर हो या विंटर। सो मैंने यहाँ पे यूज़ किया डॉट एंड की का लिप बाम, ये काफ़ी अच्छे से लिप्स को मॉइस्चराइज कर देता है। मेरा तो स्किन केयर हो चुका गाइज, अब आप भी जाओ और अच्छा से स्किन केयर फॉलो करो। यू कैन सी गाइज कितना मेरा फेस ग्लोई डूई दिख रहा है। गाइज बाय, अब मैं चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। एंड गाइज मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।